समय हम लोग उखीमठ मार्केट में हैं एंड वो जो पीक दिख रही है दैट इज़ द केदारनाथ पीक राइट देयर, दैट इज़ द केदारनाथ पीक। एंड केदारनाथ से जो मूर्ति होती है वो यहाँ तक आती है पैदल। तो पहले तो केदारनाथ की 26 किलोमीटर की ट्रैक एंड देन यहाँ तक, सो दिस इज़ ऑल डन ऑन फुट, सो अराउंड 80 किलोमीटर्स ऑन फुट। ये साल में दो बार आती है लाइक हर 6 महीने एंड देन इट इज़ टेकन बैक। आई थिंक अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, इट इज़ 8:41 बट ये वाली शॉप जिसमें मैं काम था दैट इज़ ओपन लकीली। सो वी फाउंड वेरी गुड क्वालिटी फ्लीस ग्लव्स जस्ट 99 इस शॉप पे। यहाँ से भी केदारनाथ पीक सामने ही दिख रही है। सो दिस इज द फेमस मंदिर इन उखीमठ। यहाँ से एक बार अंदर जाते हैं। सो केदारनाथ से जो पूजा का सामान आता है उसको 6 महीने के लिए यही रखा जाता है एंड दैट इज़ ब्रॉट हेयर ऑन फुट। सो 80 किलोमीटर्स इट इज़ डन ऑन फुट एंड अंदर कैमरा ले जाना मना है, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। तो हम लोग उखीमठ से निकल रहे हैं वो रही केदारनाथ पीक फिर से एक बार। इस समय बेटर व्यू है एंड अब हम लोग जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। 2.5 hours away according to Google map, we think 3 hours max and let's see आगे कैसा रहता है रास्ता। And time हो रहा है इस समय 10:21 AM। So this is a waterfall। छोटा सा है, not much water, लेकिन जब मानसून होगा तो this will be like full। और ये सब जो ब्रिजेस बनते हैं ये इसीलिए बनते हैं, अगर ये ब्रिज नहीं होते थे तो पहले इस माउंटेन के ऊपर से ये पानी आ जाता था जिसकी वजह से धीरे 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 माउंटेन सिंक हो जाता था। सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि दे डग अ होल ताकि पानी नीचे से चला जाए माउंटेन के एंड उसके ऊपर इन्होंने ब्रिज बना दिया। सो दैट इज़ व्हाट दे डू एवरीवेयर जहाँ पर भी पानी इस तरह से होता है। सो ये राइट में हमारे भागीरथी रिवर है। 2013 में जो फ्लड आई थी वो इसी रिवर में थी। सो जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे वी माइट स्टिल सी सम साइंस ऑफ डैमेज विच वर नॉट रिपेयर्ड। द रोड्स आर नॉट सो गुड। जाके देखते हैं कैसा है। ऐसा ही है। निकल गई। दिस इज द बेस्ट व्यू अभी तक का केदारनाथ पीक का। सो दैट इज द केदारनाथ पीक। रोड पूरी ऐसी है अभी तक, तो आगे देखते हैं। नेचुरल अम्ब्रेला। ट्रैफिक जाम।
सो उक्ति मठ से अराउंड 9 किलोमीटर्स तक रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था मैंने पता करा, तो उसके बाद से वो रोड ऐसी ही है। तो 9 किलोमीटर बाद से रोड ऐसी हो गई, विच इज़ लाइक ऑसम, अच्छी खासी चौड़ी 2 लेन रोड हो गई। एंड होपफुली अब वी कैन मेंटेन स्पीड एंड रीच क्विकली, बिकॉज उसी रास्ते से अभी हमें वापस भी आना है, एग्जैक्टली इसी रास्ते से। बीच रास्ते में रुक रखी है अभी ब्लाइंड स्पॉट पे। सो अराउंड 16 किलोमीटर्स इन फिर से रोड ख़राब मिल गई है, एंड सिर्फ इतनी है कि एट अ टाइम एक ही गाड़ी निकल पाए। चलिए आप तो बाइक से, getting lost with the numbers of kilometers, but beech beech mein bahut road kharab hai. तो वो डिगर्स ऊपर अपना काम कर रहे हैं, 3 डिगर हैं उधर, और ये ट्रक ने भी यहाँ से यू टर्न लिया था, इधर आया, अब ये वापस जाएगा। जो डैमेज जो ब्रेकेज इन्होंने करा है डिगर्स ने, उसको उठा के लोड करके जाएगा, तब ये रास्ता क्लियर होगा। अभी ये रास्ता ब्लॉक है आगे। इट इज़ 11:27 AM। सो ये फर्स्ट डंपर अभी जा रहा है, सेकेंड वाला अभी बैक हो गया था, वो लगेगा। ओह, सेकेंड डंपर अभी बैक हो रहा है, अब ये बैक होके उधर लगेगा, ये बैक होके उधर लगेगा, लोड होगा, तब रास्ता खाली होगा। तो ये पूरा एरिया क्लीन हो रहा था, अब ये इन्होंने छोटे छोटे पत्थर पीछे फेंक दिए हैं, नीचे यहाँ से फेंक दिए इन्होंने छोटे छोटे जो पत्थर बचे थे। अब ये गाड़ी आ रही है, और उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी पैक करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रुको भाई। एक सेकेंड रुक जा भाई, रुको मैं एसी निकाल लेता हूँ। एक एक करके आगे आता जा रहा था। हम लोग यहाँ पे करीब, ओह हेलो, इसको अरे रुक जाओ यार।
तो उन्होंने वन वे ट्रैफिक ओपन करा है, उधर से गाड़ियां पहले निकलेंगी, देन उधर वालों को रिलीज करेंगे। फाइनली ढंग की सड़क मिली। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स 21 किलोमीटर्स बचे हैं, विच विल टेक अस 1 आवर जस्ट टू डू 21 किलोमीटर्स। सो मेरे ख्याल से आगे भी रोड कुछ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। एंड वर्स्ट थिंग इज अभी हमें वो कंस्ट्रक्शन वर्कर, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, इसका मतलब आगे कंस्ट्रक्शन है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज अभी हमें इसी रोड से वापस भी आना है। ओ सो दिस इज डेफिनेटली अ लैंडस्लाइड इफेक्ट। सो दिस इज़ अ मेजर स्पॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 2013 जो फ्लड्स आई थी। ये पार्किंग थी, इसमें सब एज इट इज जितना भी था सब अंदर धस गया था इसके। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्पॉट्स, मतलब सम ऑफ द इवन बॉडीज एंड कार्स एट्सेट्रा आर स्टिल बरिड इसी में, कुडंट बी रिकवर्ड। तो ये यू टर्न ली थी हमने एंड आगे अब ये है, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओ बाप रे, पानी तो है, स्लश है पूरा। So we are 7.8 kilometers away and Google Map shows 25 minutes. So मेरे ख्याल से इस पूरी 48 किलोमीटर की ट्रिप में हमें शायद 10 किलोमीटर रोड जो है वो अच्छी मिली होगी, बाकी पूरी रोड इसी तरह की थी और वर्स। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी रोड फिर से दिखी है, लेट्स सी अभी ये कितनी देर तक कंटिन्यू होती है। And I'm also thinking that I've also started to feel that I'm losing air pressure now on the wheels. Oh, yahi tak thi. So 3 kilometers away and 10 minutes away. अभी वापस भी आना है भैया इसी रोड पे। क्या नाम है? समरवाल। भट्ट। अच्छा। So this is the entry gate of the temple. श्री त्रियोगी नारायण मंदिर।
जी है बच्चे। सो दो घंटे की राइड करके उस वाली सड़क पर फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन द त्रियुगी नारायण टेम्पल विच इज़ राइट हेयर बिहाइंड मी। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर शिव जी गॉट मैरिड टू पार्वती जी एंड दैट अग्नि जिसके फेरे लिए जाते हैं इज स्टिल बर्निंग इनसाइड। अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए आई कैन नॉट शो यू इनसाइड, बट बाहर से ये पूरा टेम्पल ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो मई और जून के महीने में रहती है। सो इफ़ यू आर कमिंग इन मई जून बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ क्राउड यहाँ पर एंड ट्रैफिक ऑल्सो, बिकॉज रोड ऐसी नहीं है कि ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके। और देखिए किधर पर घर बना हुआ है, उससे जाने की कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। लड़ाई हो गई। साइकिल चुरा के भाग रहा था। हाँ अच्छा, तो हम लोग इस सब टेम्पल से निकलेंगे फॉर लंच। यहाँ नीचे में थोड़े से रेस्टोरेंट्स दिखे थे, सो मोस्ट प्रोबब्ली देयर वी विल हैव फूड। पहले डिसाइड करा था यहीं पे खाएंगे बट देन यहाँ पे कुछ अच्छा मिला नहीं, सो वी आर हेडेड बैक टू सोनप्रयाग विच इज 7.6 किलोमीटर अवे एंड 24 मिनट्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ पे वी माइट फाइंड सम गुड फूड। जो मैंने पार्किंग दिखाई थी जहाँ पे सब डैमेज हुआ था वो नीचे रही, उसके बगल से जो रोड है वहाँ से हम लोग आए हुए हैं एंड यहाँ से भी पूरा से गोल गोल घूम के वहीं नीचे जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ सोनप्रयाग। जहाँ से आते टाइम फंसे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहीं दोबारा फंस गए थे, तो करीब मेरे ख्याल से एक घंटे से हम लोग यहीं खड़े थे। और अब वहाँ से ट्रैफिक इधर आना शुरू हुआ है, जब उधर की गाड़ियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी देन इधर से ओपन होगा। तो लेट्स सी अभी और कितनी देर लगती है। टाइम हो चुका है इस समय 4:18 PM और अब जाके हम लोग वहाँ से फ्री हुए हैं एंड आई डोंट थिंक हम लोग अब आगे ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे बिकॉज अभी नीचे उतरना है। वी आर जस्ट हाफ वे डाउन और रोड्स पूरे टाइम ऐसे ही रहेंगी, सो मोस्ट प्रॉब्ली टिल वी गेट टू अ प्रॉपर सेटलमेंट इट विल बी 5:30। देखते हैं अभी कैसा रहता है आगे। सो आई एम स्टिल ऑन द वे टू उक्ति मठ एंड जब वहाँ पे फंसे थे जहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा था वहाँ पे कुछ खाने को तो नहीं मिला था, सो आई फाउंड अ शॉप, वहाँ से आई बॉट सम बिस्किट्स। टाइम हो गया समय 4:31। रास्ता बहुत ही खराब है, सो हम लोग जब सुबह इधर से आ रहे थे सो दिस वॉज इवन दो इट वॉज बैड बट इट वॉज नॉट वेट। Apparently what they do is a truck comes with the tank full of water and वो पूरी रोड पे पानी डाल देता है। स्लश वाला एरिया फिर से आ गया है एंड एटलीस्ट दिस वन इज बेटर देन इट वाज इन द मॉर्निंग। काफी सूख चुका है,
डाउन साइड इज के आगे भी अब सब गीला है। इतनी देर बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। रुके रुके, ठीक है। तो हम लोग ब्रिज से जा रहे थे तो इधर एक छोटा सा ट्रैक मिला था, तो नीचे नदी है ऑफ कोर्स, तो मैंने कहा एक बार वहाँ पे भी आया जाए। जैसे सिक्योरिटी गार्ड भी चिल्लाने लग गया था कि उधर नहीं जाना है, बट तब तक मैं जा चुका था, सो आई सेड आई विल स्टे हियर फॉर अ वाइल। बहुत दूर था तो उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो एनीवे, अभी नेक्स्ट टाउन में वील हैव आवर लंच, देन वील ट्राई टू मेक इट टू रुद्रप्रयाग विच इज़ अराउंड 30 or so किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रोड अभी तक दोबारा खराब नहीं हुई है ना, आई स्टार्टेड टू गेट अ नाइस व्यू ऑफ लेयर्ड माउंटेन्स और राइट में रिवर है। सो अब बस फटाफट डिस्टेंस कवर करके रुद्रप्रयाग तक पहुँचना है। वील हैव आवर लंच स्लैश डिनर देयर एंड देन वहीं पे वील स्टे द नाइट। सो टाइम इज 6:09 PM एंड आई एम ऑन माई वे टू रुद्रप्रयाग स्टिल। लकली रोड बहुत अच्छी है, unluckily it's totally dark now, got no aux light installed, this bike is totally stock when it comes to accessories, stock tires, stock exhaust, stock light, stock indicators, I can't see anything. I'll show you how dark it is. Hoo-hoo. And one of the problems with the visibility right now is कि मेरा जो visor है that is very dirty. सुबह से वैसे वो मिट्टी वाले area में चल के it is very dusty. उसकी वजह से क्या होता है, सामने आने वाली गाड़ियों की light reflects on the dust and makes visibility even worse. So I'm riding with my visor open, which I absolutely do not like. कीड़ा वीड़ा कोई भी होता है गो स्ट्रेट इन योर आई या हेलमेट के अंदर चला जाता है, इवन वर्स। इलेवन किलोमीटर्स टू रुद्रप्रयाग। ऐसे कभी नाइट ड्राइविंग करनी हो आपको, विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना हो, मैप्स यूज करिए, यूज मैप्स टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टर्न्स आर कमिंग अप। And it is super fun to ride at night. The temperature एकदम low है and कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं, तो इन सबसे बच के just keep going.
उत्तराखंड में माउंटेन के बीच में एक टनल बनाया हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम मी गोइंग थ्रू अ टनल व्हिच इज बिल्ट थ्रू अ माउंटेन. दैट वाज इंटरेस्टिंग. I've done normal road and now I've done mountain ke beech se. To Rudraprayag city mein enter ho chuke hain. Fatafat yahan pe ek hotel dekh ke we'll stay there. I'm ending the vlog in the morning. मैं रात में एंड करना भूल गया था. दिस इज़ द प्लेस वी स्टेड एट. इधर सामने रिवर है, रिवर का व्यू था. एंड थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और नेक्स्ट व्लॉग यहीं से शुरू होगा, एग्जैक्ट दिस पॉइंट से.